अभी उनके कनेक्शन की प्रॉब्लम होगी कि क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा। यस मैम। ठीक है, क्योंकि हमारी तरफ से तो जितने लोग ज्वाइन हो सकते हैं हम आपको कंटिन्यूस ज्वाइन ही कर रहे हैं। सेवन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। हाँ शशांक, पहले तो आप बोलेंगे कि क्या प्रॉब्लम है बेटा। कुछ नहीं, बस ये ऑप्शनल में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन डिसाइड कर लिया है। ट्रेडिशनल और म्यूरल में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी अब चूज क्लियर करने हो में। गई? क्या जी मैम, चूज किया आपने? हम ट्रेडिशनल ले रहे हैं। ओके बेटा, कोई डाउट्स हो तो आप क्लियर कर सकते हैं अभी भी। मैम डाउट कुछ नहीं है, बस पेंटिंग कभी छुई नहीं है ना, स्केचिंग में हाथ बैठा हुआ है और पेंट में नहीं बैठा है, तो यही एक डाउट है। बाकी ये तो क्लियर हो जाएगी प्रैक्टिस से। बेटा ये सारी चीजें तो प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना आपकी इम्प्रूव होंगी, चाहे आपका स्केचिंग सेक्शन हो, चाहे ड्राइंग सेक्शन हो, चाहे आपका कलरिंग सेक्शन हो। ठीक है बेटा। जी मैम। और देखिए, जब आप बेसिक चीजों को इम्प्रूव कर लेते हैं, कहने का तात्पर्य है मेन सोर्स आप गेन कर लेते हैं तो उससे रिलेट सब कुछ रिलेट है। ठीक है, एक जनरल सी चीज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको स्केचिंग और ड्राइंग करना आता है, प्रपोर्शन क्लियर करना आता है, ठीक है, तो जब आप फ्लैट बेस पे, ठीक है, फ्लैट क्राइटेरिया पे आप 2D और 3D इफेक्ट दिखा सकते हैं, समझ रहे हैं, जी मैम। तो आपको सॉरी 2D इफेक्ट दिखा सकते हैं, तो आप विदाउट फ्लैट एरिया के भी आप सब कुछ कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप एक समतल पेपर पे 2D प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको अगर हम क्ले दे दें, क्या आप उससे मूर्ति नहीं बना सकते? अगर आपका ड्राइंग मैम बना कॉन्सेप्ट सकते क्लियर है हैं। तो, ठीक है, अगर आपको चीजों को पेपर पे निकालना मुश्किल होता है चीजों को, तो जब आपको चारों डायरेक्शन से, मतलब जो आपके 4 एंगल्स होते हैं, दो चारों एंगल आपके सामने हो, तो आप उसमें धीरे 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 उसमें भी काम कर सकते हैं। ड्राइंग कॉन्सेप्ट है, बाकी चीजें क्या सेकेंडरी होती है, हमारी टूल्स फंडामेंटल्स। नित्या, बहुत हंसी आ रही बेटा तुम्हें? मैम जी हंस मैम, नहीं रहे समझ नहीं हो? आया। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं तो आपके जो टूल्स होते हैं रिलेट टू सब्जेक्ट, जो टूल्स होते हैं उनकी हैंडलिंग आपको तब आती है जब आप उसमें वर्क करते हैं। ये होते हैं सपोर्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, अगर जो जैसे स्कल्पचर में वर्क करते हैं, जो उनका सपोर्टिंग वे है, तो आपको काम करना भी आ जाएगा। सेम एज अप्लाइड की बात करें हम, शशांक का आवाज जा रही है? शशांक आवाज आ रही है आप लोगों को? मैम आ रही है आवाज? शशांक, आपको आवाज आ रही है? हैंड रेस कर दीजिए अगर आ रही है तो।
जिसको जिसको मेरी आवाज क्लियर हो रही है हैंड रेज कर दीजिए। हाँ ठीक है, तो क्या है अप्लाइड में भी हम इसी तरीके से वर्क करते हैं, और वर्क करने के साथ साथ हम जब मेन ड्राइंग करना चाहते हैं तो चाहे हमें माउस के थ्रू ड्राइंग करनी हो, ठीक है, चाहे हमें सबसे टूल्स के थ्रू ड्राइंग करनी हो, चाहे हमें पेंसिल ड्राइंग करनी हो, बेसिक क्या है इसका, बेसिक आपका ड्राइंग है जो आपका पेंटिंग से रिलेट करता है। अगर आपको बेसिक फॉर्मेट आता है तो सारी चीज़ें आपको आ ही जाएंगी, अगर आप उनके टूल्स की भी जानकारी कर लें। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं है कि पेंटिंग सीख लिया तो स्कल्पचर भी सीख लिया, ठीक है, पेंटिंग सीख लिया तो अप्लाइड भी सीख लिया, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे अगर पेंटिंग आ गया तो सब कुछ आ सकता है अगर आप सीखना चाहें तो। अब ये नहीं कि आपको तो पेंटिंग का ही काम दे दो तो उतना ही करना बहुत कठिन हो जाता है आप लोगों के लिए। आप चित्रकला एक ऐसी विधा है जो सारी विधाओं को जोड़ती है, सारी विधाओं का बेस आधार चित्रकला ही है, इससे जुड़ के सारी विधाएं आगे चलती हैं, ठीक है, जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सब इसी से रिलेट होके आगे बढ़ते हैं। आप अगर प्रॉपर वे में सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो क्या आप नॉर्मल, हम अप्लाइड की बात करें, कुछ एनिमेशन कोर्सेज होते हैं या कंप्यूटर के फोटोशॉप या कोरल ड्रॉ होते हैं या फोटोग्राफी होती है, वो सारे कोर्सेज करके आप क्या अप्लाइड का वर्क नहीं कर सकते, टीचिंग लाइन की बात छोड़ के, हाँ ठीक है, प्रोफेशनल लाइन में आपको जाना है तो हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी आप पर्सनल बेसिस पे या एकेडमिक बेसिस पे कुछ भी काम कर सकते हैं किसी भी विधा का। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज, और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले हम इसी पे क्लियर कर लें फिर हम आगे अपने सब्जेक्ट की ओर बढ़ेंगे। आरती, आपको कुछ पूछना है बेटा? मैम, ये इससे रिलेटेड क्या बेटा? हाँ सब्जेक्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछना है, अभी ये वेट करिए। हाँ शिखा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए? शिखा, नित्या और एक यस कोई और मैम, था, आप लोग के डाउट्स क्लियर हैं? यस यस मैम, आप मैम, लोग का क्लियर है, डिसीजन हो गया? यस यस मैम, मैम, ओके, वेरी नाइस, ठीक है। बाकी चीज बेटा हम हमेशा कहेंगे, देखिए सब्जेक्ट कोई भी बुरा नहीं होता, मेरी वो थिंकिंग नहीं है कि आप, हम पेंटिंग पढ़ा रहे हैं तो आप पेंटिंग ही पढ़िए, ठीक है, हम अगर ट्रेडिशनल पढ़ा रहे हैं तो आप ट्रेडिशनल ही पढ़िए। आप क्या ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आपका किस में मेन चीज़ किस में आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, टीचर का मार्गदर्शन तो बहुत मायने रखता है, ये बात तो सत्य है, अक्षर सो सत्य है, लेकिन फिर भी हम आपसे कहेंगे कि आप अपनी लाइन का, अपने दिशा का निर्धारण जो भी करते हैं वो अपने स्वतंत्र दिमाग से करें, ठीक है, कुछ भी बंद के ना करें। हम कभी भी किसी भी बैच के बच्चे को ये नहीं बोलते कि आप, हमारा ये सब्जेक्ट है आप यही लीजिए, बात समझ रहे हैं, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन करिए, क्योंकि टीचर कभी आपके होल लाइफ साथ जरूर होता है, लेकिन आप सोचो किसी टीचर के बेस पे आपको ये सब्जेक्ट चूज करना है, ये लाइन चूज करनी है, तो वहां आप गलत हो। इसलिए गलत हो कि कोई निश्चित नहीं है कि जो टीचर आपको गाइड कर रहा है वो अभी 1 साल है कि 2 साल है कि 10 साल है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, यस मैम, जी मैम। ठीक है। अच्छा, अब हम अपने सब्जेक्ट की बात करेंगे बेटा। आप में से 8 बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, 8 बच्चों में से कितने बच्चों ने काम किया है? मैम काम किया है लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। रीजन? मैम मैंने कल तो ज्वाइन किया नहीं था, वो नेटवर्क इशू था, तो मैंने ले लिया था पिक और स्टार्ट कर दिया था काम। तो डबल टोन सिर्फ फ्रूट में डल पाया है, और केटली जो शो है करिए मैम उसका वर्कआउट, मुझे समझ नहीं आ रहा टोन। शो करिए वर्क जी आप मैम, पहले।
फ्रूट्स में मैम डबल टोन डाल दिया है, एंगल चेंज और करिए केटली अपना। में मैम यस, मैं रोज आप लोग को बोल रही हूँ, जब आप लिखा वर्क है। दिखाते हैं तो इसी एंगल पे दिखाएंगे, हॉरिजॉन्टल एंगल पे दिखाएंगे, लैंडस्केप फॉर्म पे दिखाएंगे। फोटो सेंड करते हैं तो भी आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग पिक सेंड करेंगे। मैम कल आवाज नहीं भी आ रही है। अब आवाज आई, और किसी को आ रही है? यस मैम आ रही है। ठीक है, तो बेटा जो चीजें जिसकी छूट जाती हैं एक दूसरे को शेयर कर दिया करिए, जब तक आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। हेलो ठीक है, तब एक दूसरे को सपोर्ट कर दीजिए। और हमने ग्रुप में भी पता नहीं किसका देखा था, आई थिंक अंकिता थी, जिसने अभी भी काम गलत ही सेंड कर रखा था। इतना मेरे समझाने के बाद भी आप लोगों की चीजें इंप्रूव नहीं होती, दिस इज वेरी बैड। हाँ अंकिता ही है। ठीक मैम आवाज नहीं आ रही थी मैम, मेरा एक बार वापिस से कंफर्म कर दी। बेटा, आप कैमरा ऑन करेंगे और आप अपना वर्क दिखाएंगे, अभी हमने आपके वर्क के बारे में नहीं बोला है। ओके हाँ, क्योंकि आपका नेटवर्क चला गया था इसलिए हम जनरल डिस्कशन कर रहे थे। मैम अभी हाँ, तो मैम आपको क्या नहीं समझ में आ रहा, बस आप उतना ही बताएंगे। ये केटली के टोन्स नहीं समझ में आ रहे हैं इस जगह जो डले हुए हैं। ओके ओके बेटा, ठीक है। चलिए, अभी हम जी आपकी सिर्फ प्रॉब्लम सुन रहे हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट माही। यस मैम। वर्क शो करेंगे आप लोग, वर्क। बाकी सब रेडी रहिए अपना वर्क लेके। ठीक है, आरती। वेरी गुड। नित्या, आप सभी ने अपने पिक सेंड कर दिए हैं हमें ग्रुप में वर्क के? हाँ यस मैम। यस मैम यस यस मैम। मैम अभी कंप्लीट नहीं, कंप्लीट करके हमें सेंड पता है करूंगी। कंप्लीट नहीं, कंप्लीट आप में से किसी ने भी नहीं किया है। आकांक्षा, मैम देखिए अभी इतना ही हुआ है मैम। हाँ जी हाँ जी, देखा था हमने आपका प्रवर्त। शिखा, माइक ऑफ कर लीजिए सभी लोग। अमृता, यस मैम। मैम अभी मैंने इसमें सेकंड टोन नहीं डाली है, डाल रहे बेटा थे वर्क बस शो नहीं हो रहा नहीं। है, जरा एक बार कैमरा ऑफ करके ऑन करिए। हाँ जी, जब आप लोगों का थोड़ा शो नहीं होता वर्क, तो आप लोग बीच बीच में कैमरा ऑफ कर लिया करिए, जैसे ही नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, हमारी साइड से हो चाहे आपकी साइड से हो। मैम अब जी शो हो रहा है आप? हाँ, अमृता दिख रहा है। अमृता, आपने भी सेंड किया है? यस मैम। ठीक है मैम ये मेरा अंकित, फर्स्ट वर्क, इसलिए मतलब फर्स्ट टोन अभी इसमें डाली थी, सेकंड टोन बेटा हमें हमें सब प्रॉब्लम दिख रहा है करी। किसने कितना काम किया है। ठीक है अंकिता, यस मैम। वर्क शो करिए बेटा। ठीक है, आप सभी ने काम किया है पर पूरा काम नहीं किया है, ये थोड़ा सा मिस्टेक का पॉइंट है कि आप लोगों को जैसा भी करते बन रहा है आप काम कंटिन्यूटी करते चलिए। ठीक है ठीक है, अब हम जिस बच्चे को बोलेंगे ना वो जरा ध्यान से सुनेगा। शिखा, यस शिखा मैम। यस बेटा, मैम। आपने वर्क में पानी का बहुत ज्यादा यूज किया है। ठीक है, पानी का यस बहुत मैम। ज्यादा यूज कर रहे हैं आप। शशांक, आपने जितना भी काम किया है उतना ठीक किया है, लेकिन जिसमें आपने नाशपाती में आपने जो सेकंड टोन लगाई है, ठीक है सुन रहा है शशांक, जी मैम। उसमें थोड़ी ज्यादा हार्डनेस कर दी है। हार्डनेस कब आती है? जब हमारे पानी का रेशियो कम हो जाता है। ठीक है,
ओके अमृता आपने काम नहीं किया, आप ठीक कर रहे थे बट आपने काम नहीं किया। मैम ये फर्स्ट पहला वक्त है ना, तो इसमें लेकिन दोनों समझ में नहीं आ रहा है ना, ओके तो ओके अभी हम कर ही रहे थे इसको कम। नित्या यस कलर मैम। टोन्स को पहचानो बेटा, कलर टोन्स नहीं पहचान पा रहे। अंकिता आपने 2 बार सेंड किया है काम अपना? नो मैम। ठीक है, वेरी नाइस। अंकिता ने काफी कुछ कैच किया है। ठीक है अंकिता, सुन रहे हैं आप? यस मैम। माही यस मैम। बेटा कलर स्टोन को कैच करने की कोशिश करिए, और ड्राइंग बहुत पुअर है, ड्राइंग को इम्प्रूव करिए। ठीक है, इस वाले जी मैम। सेक्शन में हमने आप लोगों का ड्राइंग नहीं देखा था, डायरेक्ट आपको कलरिंग के लिए बोल दिया था। ठीक है, अच्छा और कोई है जिसका काम छूट गया, जिसका हमने नाम नहीं लिया हो? मेरा बता लीजिए। यस आकांक्षा, मैम सेंड आकांक्षा किया है। आपने जो काम किया है, काम तो ठीक किया, लेकिन बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के कलर ट्रीटमेंट को समझिए। ठीक यस है, मैम अभी बैकग्राउंड भी कंप्लीट नहीं किया, वो भी हाँ हमें करना जितना है। है उतना ही आप करने की कोशिश करिए, लेकिन अभी हम कुछ चीजें क्लियर करेंगे। और कोई रह गया? ऐश्वर्या ने तो ज्वाइन नहीं किया है। ऐश्वर्या ने ज्वाइन किया है क्या? नहीं, नो मैम। ठीक है। फर्स्ट थिंग कि आप लोग स्टिल लाइफ फर्स्ट ईयर में करते थे ना बेटा? एक यस मिनट, मैम। जरा स्टूडेंट्स आप लोगों के नेम निकले रहे हैं, जरा एक मिनट वेट करिएगा। माही, यस मैम। सुषमा, आरती, बस सुनते जाइए, नाम सुनते जाइए। ठीक है, आरती, नित्या, आकांक्षा, शिखा, अमृता। अमृता आपने कल क्लास ज्वाइन नहीं करी कल ज्वाइन की थी मैंने, उसके पहले मतलब परसों नहीं ज्वाइन की थी, परसों और कल ज्वाइन करी थी ना? कल कौन सी, मॉर्निंग वाली, इवनिंग वाली, ए आफ्टरनून वाली? हाँ बेटा, मैम इवनिंग वाली ज्वाइन की थी मैंने। अच्छा अमृता के बाद अंकिता, किसी का नाम ऐसा है जिसका मैंने नहीं बोला हो? अच्छा, दूसरी चीज आकांक्षा, और क्या नाम है इसका, शिखा है शायद। आकांक्षा और अंकिता, सॉरी शिखा नहीं, आकांक्षा और अंकिता ने काफी चीजें ठीक करी है अकॉर्डिंग टू आप लोगों के। ठीक है, कंपेयर करें अगर हम आपकी क्लास में, तो हम इस चीज को बोल रहे हैं कि कुछ हद तक काम इन लोगों का बेटर है, अंकिता और आकांक्षा का। तो दूसरी चीज ये कि एक चीज बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि आप लोग फर्स्ट ईयर में जब काम करते थे तो आपके पीछे क्या होता था, एक डेपरी फॉर्म होता ना, तो आप लोगों को बस जो हम इमेज सेंड करते हैं वो भी बेटा देखिए, आप भी समझ रहे हैं ऑनलाइन में हम सब्जेक्ट रख के तो आपको यहाँ प्रेजेंट कर नहीं सकते, है ना, और करेंगे भी तो आपको प्रॉपर क्लियर नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो इमेज एक ऐसा माध्यम है जिससे हम आपको वर्क सेंड करते हैं कि आपको ये अपना वर्क कंप्लीट करना है, लेकिन आप उससे क्या लेंगे, रेफरेंस लेंगे। आपको सब्जेक्ट, अपने ऑब्जेक्ट का ड्रॉइंग लेना है, और जो बैकग्राउंड और बेस है आपका उसको एज लाइक ऐसे कन्वर्ट करने की कोशिश करा करिए, सिंगल कलर में या जो आपको इमेज में विजुलाइज हो रही है उसी कलर टोन में। ठीक है,
जैसे आपने पीछे डेपरी के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट कंपोज कर रखे हो, जैसे आप फर्स्ट ईयर में शेडिंग और ड्राइंग जो भी करते थे, ठीक है। पहली चीज जो अब से काम करेंगे उनमें इन चीज को फॉलो करेंगे, और जो बहुत सारे बैकग्राउंड्स में आपको मल्टी कलर टोन्स दिख रहे होते हैं उन पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। आप किसी एक या दो टोन को बैकग्राउंड और बेस में प्रेजेंट करेंगे सिर्फ, ठीक है। अगर बैकग्राउंड में चार पांच टोन्स दिखाई दे रही हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ब्राउन, ठीक है, ये सब चीजें एक साथ आप कंपोज नहीं करेंगे। आपको कंसंट्रेट अभी किसमें करना है, अपने ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट में क्या कलर स्कीम है उस पे कंसंट्रेट करिए। बैकग्राउंड में आपकी जो भी चीजें हैं उसको सिंपल बेसिस पे सिंगल या डबल टोन में ही यूज करेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? वेरी नाइस। अब क्या है, आपको ये काम जिनका नहीं कंप्लीट है, आप जैसे पॉसिबल हो आप हमें आज नेक्स्ट क्लास तक हमें प्रेजेंट कर देंगे। हमारी जो आफ्टरनून के बाद क्लास होगी या आफ्टरनून में ही होगी, ठीक है, तो आप उसमें हमें प्रेजेंट कर देंगे। आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप कैसे भी उसको कंप्लीट करें, हम एक्स्ट्रा टाइम तो बेटा आपको नहीं दे पाएंगे, ठीक है। हम इतना जरूर कर सकते हैं कि जिन बच्चों ने काम नहीं पूरा किया है वो अपना अभी जो आपको घंटे दो घंटे का टाइम मिलता है उसमें आप अपना काम खत्म करें। दूसरी चीज कि आपको जो काम दूसरा दिया जाएगा उसको भी करना है साथ में। जो आपका लेट वर्क है वो तो आप कैसे कवर करेंगे, ये आपकी प्रॉब्लम है। और आप जैसे हम आज आपको बोल रहे हैं जो अभी काम दे रहे हैं वो हमें कल आफ्टरनून की क्लास में चाहिए, तो आप ये एवरेज निकाल लीजिए कि कैसे पहले आज का काम खत्म करना है और फिर जो नेक्स्ट वर्क मिलेगा उसको आपको स्टार्ट करके आज उसकी ड्राइंग प्लस फर्स्ट टोन आपको खत्म करनी है, ठीक है, सेकंड टोन नहीं करनी है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अभी हम कुछ इमेजेस सेंड कर रहे हैं। शशांक, हम आपसे बात करेंगे। शशांक, आप कह रहे थे आपसे बैकग्राउंड नहीं हो रहा, यही पूछा था ना आपने? इसमें बैकग्राउंड और केटली का टोन। अच्छा, केटली का अभी हम आपको एक रेफरेंस इमेज भेज रहे हैं, जरा उससे आप स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके। मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा वेट करिए, अभी सेंड कर रहे हैं आपको। हमने दो इमेजेस आपको सेंड करी हैं क्योंकि आप लोगों को थोड़ा और
स्टार्टिंग से समझाने की जरूरत है। हमने आप लोगों के काम करने का प्रोसेस देखा कि अभी आप लोगों के बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, और हम देखिए क्लास में ड्राइंग इतना नहीं करा सकते आपको, बात समझ रहे हैं आप? आप अपनी ड्राइंग की डेली के डेली प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बेटा हमें अपना सेशनल भी कंप्लीट कराना है। अगर हम आपको फर्स्ट ईयर से पढ़ाएंगे तो हम सेकेंड ईयर का कब पढ़ाएंगे, बात समझ रहे हैं हमारी? तो आपको क्या करना है, अपना ड्राइंग कॉन्सेप्ट बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, साथ के साथ आप अपने ड्राइंग्स की डेली प्रैक्टिस करिए। जो आपको हम ड्राइंग करने के लिए देते हैं, आप उसको हार्डली एक बार ड्रॉ करते हैं, कम से कम आपको 2 से 3 बार या 4 से 6 बार आपको ड्राइंग करना चाहिए। कोई भी स्केचिंग पेपर ले लीजिए, उस लेआउट को कई बार ड्रॉ किया करिए, तो आपकी ड्राइंग में ऑटोमेटिकली परफेक्शन आएगा बेटा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है? तो आपको बेटा प्रयास आप ही को करना है, जब तक आपको थोड़ी चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, जब तक आप यहाँ पे नहीं आते हैं डिपार्टमेंट में। आई होप सो 1-2 मंथ में शायद ये सारी चीजें क्लियर हो जाए, अगर सिचुएशन आगे ज्यादा टिपिकल नहीं हुई तो चीजें हो सकता है 1-1.5 महीने के अंदर आप लोगों को बुलाया भी जाए, बात समझ रहे हैं? तब तक के लिए जो भी आप प्रैक्टिस वर्क कर रहे हैं, जो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, तब तक के लिए आप लोगों को ड्रॉ किसी मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। देखिए अब आए तो बताइएगा। मैम अब आ रही है। हाँ थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो जाता है बेटा, इसलिए आवाज चली जाती है। अभी जो हम आज आपको एक वर्क सेंड कर रहे हैं बेटा, आप उससे अभी आपके पास सेंड नहीं हुआ है, हमने तो कर दिया लेकिन नेटवर्क की वजह से नहीं जा रहा है, तो आप उससे उस वर्क के साथ साथ मैंने आपको उसका रेफरेंस इमेज भी और कंप्लीट वर्क भी सेंड किया है, क्योंकि आप लोग चीज़ों को इतना ईजिली नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, देखेंगे कि क्या है, कलर्स को कैसे यूज़ किया गया है, बैकग्राउंड का कलर और आपके जो वो है, आप उसको पॉट कह लें, कैटल कह लें, जार कह लें, जो भी कह लें, तो उसका क्या है, उसका कलर स्कीम और बैकग्राउंड और फोरग्राउंड की कलर स्कीम एक ही है, ठीक है? और उसमें एक ही कलर स्कीम में लाइट डार्क का फर्क है, समझ रहे बेटा? और एक ही कलर टोन से आप चीज को कैसे निकाल सकते हैं, तो हमने थोड़ा और के आप लोगों को वर्क दिया है, क्योंकि शायद आप लोगों का स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा दिक्कत महसूस हो रही है। आ रही बात समझ में? यस मैम। फर्स्ट ईयर में क्या आप लोगों ने कलर्ड वर्क एक भी नहीं किए थे, सिर्फ शेडिंग वर्क करे थे, पेंसिल से कलर्ड वर्क नहीं करे थे? नो मैम, शेडिंग वर्क करवाया गया मैम, बस शेडिंग वर्क किया था। कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, अभी अभी बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इसलिए नहीं परेशान होइए, काम करते जाइए। काम इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए 1 हफ्ते के बाद 15-20 दिन का जो गैप हो जाता है वो आपके काम को ब्रेक करता है, समझ रहे हैं? तो जितना काम दिया है उसको जरूर कंप्लीट करिए, आप बिल्कुल भी हताश मत होइए क्योंकि आपको सब कुछ आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा है, आप नेक्स्ट मंथ तक देखिएगा आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है? अभी हमने सोचा था शायद 1-2-4 वर्क कराए गए होंगे, क्योंकि कराए जाते हैं, पता नहीं क्या रीजन था, हो सकता है क्लासेस की वजह से हो गया हो, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट शायद इसीलिए क्लियर नहीं है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग अब हम आपका पहले कॉन्सेप्ट ही क्लियर करेंगे,
आगे बढ़ेंगे। हमने इसीलिए बोला था कि आज आपको कुछ वर्क आप रखेंगे अपने घर पे, ठीक है, बोला था हमने कल। यस मैम। लेकिन हमने इसीलिए आज आपको उस चीज के लिए नहीं बोला क्योंकि पहले जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना, फिर हम इसको नेक्स्ट वीक में आपको इस तरीके से काम करवाएंगे। देखते हैं जरा। चलिए शायद मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही बेटा आवाज? यस मैम। यस मैम। हाँ थोड़ा कनेक्शन की प्रॉब्लम हो गई थी, नेटवर्क इशू हो गया था तो कनेक्ट हो गया था। दूसरी चीज हम ये कह रहे थे कि आप लोग जो काम अभी करेंगे टाइम देंगे, हम आपको सिर्फ आधे घंटे का टाइम देंगे। जिस समय मेरी क्लास ओवर होगी उस समय से 30 मिनट्स का टाइम देंगे आपको ड्राइंग करने के लिए। 30 मिनट्स के अंदर आप हमें अपना ड्राइंग सेंड कर देंगे, ठीक है, समझ रहे ना बात बिल्कुल क्लियर? हम कलरिंग की बात नहीं कर रहे, सिर्फ ड्राइंग की बात कर रहे हैं। 30 मिनट्स के अंदर में आपका ड्राइंग सेंड हो जाना चाहिए। हाँ बोलिए आरती, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आप तो मुझे थोड़ा बता दीजिए मेरे वर्क को देखकर, बेटा कोई और बोलो अगर आरती की आवाज आ रही है। आरती की आवाज हमें बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैम आरती कह रही हूँ उनका वर्क देख के आप उनको कुछ बता दीजिए। वर्क देख के यस मैम। दिखाइए बेटा दिखाइए।
हाँ बेटा ठीक है, तुम एक काम करो, हमें सेंड कर देना, पिक भी सेंड कर देना। पहले तो आपने कर रखी है, उसके बाद आपने जितना किया उसके उसको, और आप हमें पिक उसकी सेंड कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। फिलहाल तो आप लोगों ने जितना काम किया उतना हमारे पास रिकॉर्ड है कि आपने कितना काम किया। आज का दिन है आपके पास, क्लास ओवर तक, शाम की तब तक आप सेंड कर सकते हैं। अमृता बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैम, मुझे बैकग्राउंड थोड़ा सा पूछना था। बैकग्राउंड में कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें काफी सारे टोन्स दिखाई दे रहे थे, तो इस वजह से उसमें थोड़ा उसमें समझ में नहीं आ रहा है कि बैकग्राउंड इफेक्ट से कैसे तुम बेटा बनाऊं। कोई भी एक टोन ले लो, ठीक है, कोई भी एक थोड़ी डार्क टोन ले लो और उसी से कवर करो। मैम उसमें जैसे नीचे मतलब ग्राउंड का दिख रहा था और पीछे साइड पे वो डिफेक्ट आ रहा था, तो नहीं, वो सब नहीं बनाना है आप लोगों को, ठीक है, वो सब नहीं बनाना है। पहले होता तो हम कहते, लेकिन अभी आप वो सब कुछ भी नहीं बनाएंगे, इसीलिए हमने थोड़ा चेंज किया है कि आप लोगों का पहले बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अभी सिर्फ सिंगल एक कोई कलर टोन लेके उसका बैकग्राउंड कवर करेंगे, या तो आप कोई डेब्री डाल लीजिए अपने घर पे, कहीं टेबल पे, कहीं स्टूल पे, और उसको कंपोज करिए उस जस्ट उसके पीछे, ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि उसका लाइट डार्क को आप समझिए, जो रेफरेंस इमेज में आपके पास लाइट डार्क है उस लाइट डार्क को कैच करिए सिंगल टोन में, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम आपसे कहने वाले थे, कुछ मतलब क्या बोलते हैं, नंबर सेव नहीं हो रहे हैं, कांटेक्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो बच्चे क्या करेंगे कि आप लोग अपने पर्सनल नंबर से मेरे पर्सनल नंबर पे आप कोई भी मैसेज सेंड करेंगे, ठीक है। जो आपके क्लासमेट हैं उनको ये आप इन्फॉर्म कर देंगे कि जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं वो बच्चे मेरे पर्सनल नंबर पे कोई भी मैसेज सेंड करेंगे, ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात आप लोगों को? और थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। एक तो इरम का नंबर नहीं उसमें ऐड हो रहा है, ठीक है, और एक इसका भी नहीं ऐड हो रहा था, क्या नाम है इसका, रश्मि का। रश्मि को हमने इनवाइट करके भेजा, उसने ज्वाइन नहीं किया अभी तक। एक इरम का नहीं ऐड हो रहा है, एक रश्मि का नहीं हो रहा है, और बाकी के में प्रॉब्लम हो रही है। तो इन लोगों से कहिए जरा पर्सनल बेस पे हमें नंबर सेंड करें, और रश्मि को तो बोलिएगा कि उसके पास एक मैसेज गया होगा, उसको वो एक्सेप्ट करे, ठीक है बेटा। जो भी जिसके कांटेक्ट में है वो उसको इन्फॉर्म कर दे। जैसे आप लोग क्या उस स्टूडेंट का कांटेक्ट नंबर सेंड कर रहे हैं ना, आप उनसे कहिए अपने कांटेक्ट, उनके पास हमारा नंबर होगा, नहीं है तो दे दीजिए, और वो हमारे नंबर पे मैसेज सेंड करें। हाँ अमृता, अमृता कुछ यस मैम, कहना है बेटा? ये वर्क एक बार आप देख लीजिए, इतना मेरा ठीक हुआ है या नहीं। बेटा हमें सेंड कर दो, बहुत ज़्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मतलब एटलीस्ट अभी तक आप लोगों के पास वो इमेज भी सेंड नहीं हुई है, ठीक है। ओके मैम, अभी क्लास हम डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, क्लास हम अपने टाइम पे ही डिस्कनेक्ट करेंगे, तो आप लोग हार्डली 2 4 5 मिनट रुक जाइए और अपने वर्क सेंड कर दीजिए, जैसे हमें मिलता वैसे हम आपको बता देंगे। और जो अगर कुछ ऐसी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं तो उसी के नीचे मेंशन कर दीजिए। ऐसे होता तो हम साथ के साथ आपका क्लियर कर देते, पर अभी नहीं हो पा रहा है पॉसिबल। आरती बताइए बेटा, क्या कहना है आपको? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं होती, आपको भी जो कहना है आप मैसेज कर दीजिए। ओके मैम।
अपने वर्क को ग्रुप में सेंड करिए, ग्रुप के नीचे अपनी प्रॉब्लम सेंड कर दीजिए कि आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही, या ये पूछना है, या फिर ये दिखाना है, जो भी पूछना है दिखाना है। और जैसे ही मैम मेरे मेरी वॉइस पास, क्लियर आ रही? हाँ आ रही है बेटा, बोलिए। मैम एक डाउट था, ये फोर फोरहेड जो इसका है बेस, इस पे मैम इसमें भी एक ही टोन लेके चलता है? फोर ग्राउंड होता है बेटा, फोर हेड तो आपका मत्था हाँ होता है सिर, ठीक है। हाँ फोर क्या ग्राउंड में, पूछ रहे हैं, फोर फिर से बोलिए। हाँ उसमें मैम क्या लेके फोर चलना ग्राउंड है? में मैम एक ही मतलब टोन, एक ही टोन लेके चलना है कि डबल टोन हाँ। डालने बैकग्राउंड हैं? और फोरग्राउंड दोनों की एक ही टोन रहेगी। दो टोन रखना चाह रहे हैं, अगर आप अभी हैंडल कर पा रहे हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आप एक ही टोन में कर लीजिए, ओके मैम, ठीक है। कंपलसरी अभी हम आपको नहीं कर रहे हैं कि आप दो टोन्स में करिए, अभी आप सिंगल टोन में भी कर लेंगे तो भी ठीक है। जब तक आप लोगों को चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे बेटा। हाँ पहले आप लोगों का इतना परफॉर्मेंस परफेक्ट आ जाए, ठीक है। तो ओके आप सिंगल टोन में जैसी आपकी हैंडलिंग है, आप जैसा सुटेबल समझते हैं वैसा करिए, जितना आप कर पाए। अच्छा अभी काम करिए, ये बताइए कि ये बाकी बच्चे आप लोगों से जुड़े हुए हैं जो क्लास में हैं आपके, आप लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं बाकी स्टूडेंट्स जो क्लास नहीं ज्वाइन यस कर रहे मैम, हैं? कुछ यस मैम। है उनको बोलिए कुछ बेटा, उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्लास ज्वाइन करना, ठीक है। किसी के पास जी बहुत मैम, बड़ा मेजर रीजन है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, से आज दो बच्चों, एक क्या नाम है उसका, इरम का, और इरम की मम्मा का ऑपरेशन है आज, उसने इसलिए क्लास नहीं ज्वाइन करी। बाकी जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो नहीं बिल्कुल भी क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं उनका क्या रीज़न है? या तो वो अपना रीज़न ग्रुप में सेंड करें कि हम इस वजह से क्लास नहीं अटेंड कर रहे, और नहीं तो बेहतर ये है कि उनसे कहिए इट्स कंपलसरी कि उनको क्लास अटेंड करनी है, ठीक है बेटा। ओके ओके और जो अभी तक नहीं कर रहे हैं वो अपना रीज़न दें कि 2-3 दिन से, या जितनी भी दिन की आपकी 4 दिन की क्लास हो चुकी है, वो क्यों नहीं अटेंड करी उन्होंने। अच्छा और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हमारा है, जिन बच्चों ने ट्रेडिशनल लिया है वो बच्चे एक जगह, ठीक है, ऊपर डालेंगे ट्रेडिशनल इंडियन पेंटिंग, ठीक है, एक पेपर पे, और डालने के बाद वो कोई भी एक, शशांक को हम ये वर्कलोड दे रहे हैं, शशांक जो बच्चे लेना चाह रहे हैं वो आपके नंबर पे सेंड करेंगे कि वो ट्रेडिशनल ले रहे हैं, ठीक है। तो आप ओके लिस्ट बना के उसकी इमेज हमें सेंड करेंगे। ज़्यादा बच्चे ओके नहीं होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी तक मुझे जितने बच्चों ने बताया शायद 3 ही 4 5 बच्चे हैं, और बाकियों से कंसल्ट कर लीजिएगा, जिनका कंफर्म है कंफर्म है, नहीं तो आप कंफर्म कर लीजिएगा एक बार कि किसको किसको उसमें ज्वाइन करना है, जी मैम, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? नो मैम, ठीक है, तो आप इतना काम कर दीजिएगा और करके हमें सेंड कर दीजिएगा। बेटा अभी भी आप लोगों के पास वर्क सेंड नहीं हुआ है। काम हो गया मैम है, हो गया, हो हो गया, गया। देख लिया आप लोगों ने, यस मैम, देखा ना? तो आप जरा देख के समझिए, दोनों चीजों को समझिए, इसीलिए हमने इस तरीके से आपको सेंड किया। समझ में आ रहा है, वर्क भी समझ में आ रहा है? देखिए जरा ध्यान से ऑब्जर्व करिए, रेफरेंस इमेज को ऑब्जर्व करिए, और जो कंप्लीट वर्क है उसको ऑब्जर्व करिए। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे आपके, जो चीज़ें आप अभी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। है बेटा? यस यस मैम। मैम, थोड़ा
थोड़ा सा मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बहुत इजी पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो कंप्लीट वर्क है उसका रेफरेंस लेना है, आपको बिल्कुल भी उसको नहीं देखना है काम करते वक्त, ठीक है? आप जितना भी देखेंगे काम करने से पहले देखेंगे। पहला काम आपका ये है कि आप उसका ड्राइंग करेंगे जो कि आधे घंटे में आप हमें सेंड करेंगे, यानी कि 12:30, 12:30 तक आप हमें अपना ड्राइंग सेंड कर देंगे। और उसके बाद ड्राइंग सेंड करने के बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे कलर स्टार्ट करने से पहले, और जो कल हमने रेफरेंस इमेजेस भेजी थी उनकी कलर टोनिंग देखेंगे, जो टमेटो वाला वर्क भेजा था विद लीव, याद है आप लोगों को? तो यस उसकी मैम। टोनिंग पहले ऑब्जर्व करेंगे कलर स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि कलर स्टार्ट करने से पहले ही सारी चीजें निश्चित होती हैं बेटा, वही आपका सबसे मेन रोल होता है। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, अगर आप गलत डायरेक्शन में चले गए तो फिर वो चीजें लास्ट तक सही नहीं होती, ठीक है? पहले आप उसको टोमेटो वाले वर्क को ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद आप इसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ से बिल्कुल भी फोन हटा देंगे भाई, आपको ध्यान रखना है। हमने तो सेंड कर दिया, अब आपकी मर्जी, आप उसको देख के बनाते हैं बिना देख के बनाते हैं। अगर आपको रियल में कुछ सीखना है तो आप उस इमेज से सिर्फ इतना सीखेंगे कि काम करने से पहले उसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना चाहें आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। सिर्फ अपनी अपने आंखों में स्टोर करेंगे जितना स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद अपने आप से प्रॉमिस करके कि हमें उस इमेज को दोबारा नहीं देखना, ठीक है? जी मैम। कलर स्कीम से ऑब्जर्व करनी, आप ऑब्जर्व कर लेंगे और उसके बाद उसको फॉलो करेंगे, उस अपने कलर में अप्लाई, अपने वर्क में अप्लाई करेंगे, ठीक है? तब देखिएगा आपका क्या रिस्पॉन्स आता है, ठीक है बच्चा? अभी ओके मैम। सबको क्लियर हुई ना इतनी सी बात? किसी को ऐसा तो नहीं कि ये आवाज नहीं आई? हैंड रेस करिए जरा एक बार, अगर क्लियर हुआ है इतनी बात तो हैंड रेस करिएगा। अमृता, आपको नहीं हुआ बेटा? यस मैम। हो गया आपको हमने जो अभी बताया है? नो मैम, हमें क्लियर नहीं हुआ, आवाज आपकी बीच में कट गई थी तो समझ नहीं आया। अच्छा अमृता, आप इस समय क्लास में, अमृता के कांटेक्ट में कौन है? अमृता आवाज आ रही है? अब मेरी आवाज आ रही है? कुछ मैम कह हम रहे, हैं। नेटवर्क इशू है इसके। अच्छा तो आप एक काम करेंगे, ये वाली लाइन आप इसको समझा देंगे क्योंकि इसको अभी भी मेरी आवाज नहीं जा रही, ओके मैम। ठीक है जी। कि इसको किस प्रोसेस में वर्क करना है ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और सबसे अच्छी बात अमृता की ये कि इसको अप्लाइड लेनी है लेकिन वो कंटिन्यूस वर्क कर रही है, दैट्स वेरी गुड, ठीक है? चलिए अभी आप सभी लोग लेफ्ट करेंगे। हाँ शिखा, कुछ कहना है बेटा? कहना है बेटा कुछ? जिनको नहीं करना है अपना हैंड रेज से साइन हटाइए। हाँ हाँ ठीक है, सभी हटा लीजिए अगर नहीं कुछ कहना है तो, ठीक है? अभी क्या करेंगे आप लोग, अभी आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं और अपने टाइम का ध्यान रखेंगे। हम 12:30 के बाद किसी का भी ड्राइंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिफोर 12:30। अब 5 मिनट में भेज दीजिए, 10 मिनट में भेज दीजिए, 15 मिनट में भेज दीजिए, ठीक है? लेफ्ट कर लीजिए बेटा।